सरकारी चाकरी न छाड़ सामाजिक निर्यातना अभियोग थाना जिला प्रशासन समस्त गुहारी करते कौन सुफल मिलनी घटना घटी गंजाम जिला हिंजिली अंतर्गत बड़खंडी गाँ कमिटी द्वारा एभली अन्यायर शिकार हो गांर एन भगवान और पत्नी एन राजेश्वरी एवं तक झील ममता पाखे आश्रय गजपति जिलार लक्ष्मीपुर आवासिक विद्यालय शिक्षकता करुवा भगवान झील बड़खंडी गांव पी जगबंधु को गत 2016 मसीह विवाह करते जगबंधु मुंबईर एक घर कंपानी में चाकरी करुवा बेले शिक्षयत्री जनक निज स्कूल रोते तेरे चाकरी छाड़ गाँव में रहा बारंबार बाध्य राजी न होवु शिक्षयत्री को मारधर करते स्वामी यापर गाँ कमिटी ने यह कथ बढ़ा कमिटर सदस्य माने चाकरी छाड़ बाध्य अभियोग अराजी होवु बापा माँ को गाँ लोक निर्यातना देखा अभियोग कर ममता परिवार को एभली सामाजिक बासंत होगा अन्याय बोली से कहते भगवान एकमात्र पुओ बाहर राज्य में दादन खटुवा बेले बापा माँ झील पाखे आश्रय नहीं संपर्क में एसपी को जन पर एवं गाँव में पहुंची पुलिस अधिकारी घटना संपर्क में तदंत आरंभ करपटे अभियोग को खंडन कर ग्राम्य कमिटी सभापति मो स्वामी मोर एट व्यक्तिगत किसी मनातर ताहले से गाँव कमिटी ताप हाईकोर्ट अच्छी कोर्ट अच्छी सब अच्छी आईन अच्छी ल एंड अर्डर अच्छी ये कहीं गाँव लोक मैंने निष्पत्ति तो ठीक ने तापर बाध्य कर किए रिस्क नहीं बिल कौंतापर बापा माँ को मोपाई बिल बापा माँ को कहीं बासंत कर पुलिस जिलापाल महोत्सव को अनुरोध करुचु जे बड़खंडी ग्राम से आमको सहवास करने सुजोग दि जाऊ कथबाक ना बोल कौन पाइन कौन कर तो किसी तो घटना बोले गाँव मिले कले आम तारे कुछ ये नहीं ना ये सब मिच चाकर कौन बासंत फासंत किसी कराए अभियोग निजे कौन भेराल कर गाँ द्वारा ना आम मीट द्वारा किसी कौन बासंत फासंत किसी कराए संपर्क में अधिक सूचना पाई फोन लाइन अच्छा अजित दास अजित निश्चित रूपे यह एक अभावनीय घटना कारण सरकारी चाकरी न छाड़ सामाजिक निर्यातना दि जाऊ अभियोग तेरे वर्तमान यह संपर्क में जानापर एसपी गाँव में पहुंची तेरे एसपी पहुंचा पर कौन देखुं पूरा घटना हाँ देखो बर्तमान ये तो कहुपर एक लज्जाजनक दुर्भाग्यपूर्ण घटना निश्चित भाव यही अभियोग आसवा पर समस्त जिला प्रशासन ठारु आरंभ कर पुलिस प्रशासन समस्त एक प्रकार तत्पर होती किंतु एभली घटना बड़खंडी ग्राम से घटी अभियोग आनीर संपूर्ण भाव गजपति जिले रोकवा जहां खबर रही आम सका बड़खंडी ग्राम से उपस्थित रही बर्तमान जहां पाखे सूचना एवं ग्राम कमिटी मानक एक बैठक बसी पुलिस उपस्थित पुलिस घटना नहीं कौन मतामत देवाई मना कर बेले आम ग्राम्य कमिटी सहित आलोचना करूँ एवं ग्राम्य कमिटी एक आमको लिखित देखते सीधा सड़क ओलटा अभोग आणुंती आम ग्राम से कौन कासंद करवल पर गंडगोल लग रही स्वामी स्त्री जहाँ कि ग्राम्य कमिटी को पर लोके जनईते कितु क्या बासंद ग्राम्य कमिटी कही कितु सेपटे पुओर बापा माँ सहित आम आलोचना करूँ से कहते आम बासंद न करी दिन आम बासंद करूँ आम ग्राम कमिटी को आमर अभोग जनईलु से बासंद करते कि परवर्त मुहूर्त से बासंद उठाई देते अजित केसंद करते दिन हम बासंद कर निश्चित भाव आम जहां पर सहित आलोचना करूँ यह प्रायत दुई तीन मस ते घटना घटी ममता जी कि गजपति जिलार एक सरकारी विद्यालय शिक्षक भाव चाकरी करुंटना घटा पर से पलि जमापड़ी एवं बापा माँ संपूर्ण रोचार गजपति जिले में भाई चेन्नई में रोकवा बेले स्वामी मुंबई में रोकवा जमापड़ी तेरे संपूर्ण आम ग्रामर घर घर पखापाखि प्राय 10 रु अधिक लोक सहित आलोचना करुचु समस्त केवल गोटे कथा कौन बासंद कर किंतु बापा माँ यही कथा को एक प्रकार स्वीकार करुचंदी अजित दुई तीन मास हला जहां कहते कि दुई तीन मास हला तांको एभली सामाजिक निर्यातना दि जाऊ अभियोग करते तेज यही अभियोग के थाना एवं जिला प्रशासन पाखे गुहारी करते
ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ଯାହା ହେବେ ଆସିକା ଏସ୍ଡିପିଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ। ସେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆମକୁ ମତାମତ ଦେଇନଥିଲେ, ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଭାବେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କହିଛନ୍ତି ଏନେଇ କୌଣସି କେବେ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଇନାହିଁ। ତେବେ ଯାହା ମୋ ପାଖରେ ଖବର ରହିଛି, ମମତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣାର କୌଣସି ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ବାହାରି ପାରିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେହି ଝିଅଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଘଟଣାଟି ସେତେ ପ୍ରଘଟ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଝିଅର ଭାଇ ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଚେନ୍ନାଇ ସହରରେ, ସିଏ ନିଜସ୍ୱ ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ନିଜର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ଭାଇରାଲ କରିଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହି ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାମରେ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତେବେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁଅର ବାପା ଯିଏକି ମମତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାଛନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବାସନ୍ଦ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ବାସନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କର ବାସନ୍ଦ ଉଠାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏସ୍ପି ଜାଣିବା ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ବୈଠକ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏ ବୈଠକରେ ଏ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ସଭାପତି। ଓକେ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅଜିତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ତାଜା ସୂଚନା ପାଇଁ।